आलम साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले आलम साहब। क्या बोलूं? मैं आपसे और आपकी बेटी से बात करना चाहता हूं। मैं अपनी ज्यादतियों की, अपने जुल्मों की माफी मांगना चाहता हूं आप लोगों से। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं मेरे गुनाह काबिले तलाफी नहीं है, मैंने आप पर और आपकी बेटी पर बहुत जुल्म किया है, मेरे गुनाहों का खमियाजा मेरी बहन को भुगतना पड़ा, मुझे अब जाकर अंदाजा हुआ है कि इज्जत जाने का दर्द क्या होता है, इंसान को कितने कर्ब से कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। मेरी बहन बेकसूर थी, उसे मेरे गुनाहों की सजा भुगतना पड़ी है। कसूर तो हमारा भी कुछ नहीं था, हमने तो आपको फरिश्ता समझा था, लेकिन आपने तो हमारा साहिबानी छीन लिया। उस रात अगर मेरी बेटी वहां से भाग निकलती तो खुदा जाने उसके साथ कितना गलत हो जाता। फिर क्या कोई इज्जतदार आदमी उसे अपनी इज्जत बनाता? हम तो जीते जी मर जाते। नहीं, मैं अपने सारे गुनाह मानने को तैयार हूं। आप जो चाहे मुझे सजा दे, मुझे पुलिस के हवाले कर दे आप, लेकिन बस एक दफा मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा। क्या होगा आपके शर्मिंदा होने से? हाँ, क्या मेरा बाप वापस आ जाएगा? और अगर ऐसा हो सकता तो ठीक है, मैं आपको अभी इसी वक्त माफ कर दूंगी। आलम साहब, हर गुनाह की माफी नहीं होती। जाके पूछिए अपनी बहन से, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत कितनी नायाब और कीमती होती है। और फिर उन लड़कियों के बारे में सोचिएगा जिनकी जिंदगियां आपने कुछ पैसों के बस पर बात कर दी। जब भी उस रात के बारे में सोचती हूं उससे लरस जाती हूं। अल्लाह ने मेरे लिए वो रास्ता ना निकाला होता तो आपने हमें जो नुकसान पहुंचाया है उसकी तलाफी नहीं हो सकती। कहने को तो हम आपको माफ कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात माफी सिर्फ एक लफ्ज बन जाता है और आपको माफी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी आपको माफी। तूने सपने मेरे एक पल में कई दिल के टुकड़े किए, मुझको तुझसे मिली ऐसी रुसवाइयां, आंखों में जम गई
जिनकी परछाइयां प्यार मेरा गवा, सुन रे बेवफा।